हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज तुषार कपूर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर ट्रायंगल क्लास 9th। क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। कह रहे ये दो लाइंस पैरेलल थी, इनको दो पैरेलल लाइंस से भिड़ गए, ऐसा कुछ फिगर बन गया। शो दैट ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो देख लेते हैं, तो कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, तो क्या होगा बेटा, हमें क्या करना है। एक तो आप ध्यान दो, दोनों में एसी एसी साइड कॉमन है बेटा, ये वाली साइड कॉमन है। एसी इज इक्वल टू एसी क्या हो गया बेटा, कॉमन, ये दोनों साइड्स कॉमन हो गए। उसके अलावा क्या हो रहा है बेटा, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ आ गई, अब ध्यान देंगे बेटा। तो ये बन जाएगा एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी क्या, तो बना लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, अब एंगल कौन सा है ये वाला हमारे पास बी ए सी, तो आ गया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। बेटा ये एंगल इसके बराबर था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला एंगल की बात करते हैं, अब ये एंगल कितना है बी सी ए, बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। डी ए सी कैसे हो गया, डी ए सी, ये भी कैसे है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए बेटा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल होती थी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, सीधा सीधा कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं समझ आ गई है, समझ आ गई है तो इसको नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।